हेलो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो रहेगा 28 नंबर का ब्लाउज पेपर का सिलने के बाद में किस तरह दिख रहा। तो चलिए फ्रेंड, पूरा टेक्स्ट लगा देती हूँ, पूरा आपको सिल के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं टेक्स्ट को लगा देगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं टेक्स्ट लगा दी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं 1.5 इंची का पट्टी ज्वाइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं 1.5 इंच का पट्टी इस तरह ज्वाइंट कर देगी यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह सीधा साइड में ज्वाइंट करने का है। ये देखिए, इसको इस तरह उल्टा के साइड में पलट देने का है। ये देखिए फ्रेंड, ये बचा हुआ कपड़ा कटिंग कर देने का है। ये देखिए, इस तरह आपको कटिंग कर देने का है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह टेक्स लग के तैयार हो गया है। और इसी तरह दूसरा साइड का भी मैं टेक्स लगा दी हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं दूसरा भी टेक्स लगा दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये पीछे का कपड़ा हो गया है, मैं टेक्स लगा देगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं टेक्स लगा देगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं दोनों टेक्स लगा दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आधा इंची मोड़ देगी। ये देखिए, यहाँ पे आधा इंची मैं इस तरह मोड़ देगी उल्टे साइड में। ये देखिए, क्योंकि ये सिलाई में चला जाता है आधा इंच। ये देखिए, इस तरह मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं शोल्डर ज्वाइंट कर दी हूँ। ये देखिए, इस तरह शोल्डर को ज्वाइंट कर दी हूँ। ये देखिए, इस तरह ब्लाउज दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह कटोरी बन के तैयार हो गई 28 नंबर का। ये देखिए, 28 नंबर का ब्लाउज इस तरह बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, कटोरी गहरा बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह बन के तैयार हो गया है। अभी मैं बाजू कटिंग करके आपको बताएगी। ये देखिए फ्रेंड, आपका जितना बाजू रहेगा आपको उतना ही लेने का है। इस तरह आपको चेक कर लेने का है बाजू आपका कितना है। इस तरह इसको खींच के देख लेने का है। 8 इंच है तो 9 इंच ले लेने का है, 1 इंची बढ़ा लेने का है, घटेगा नहीं, उसे क्या कम नहीं पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पा रहा है। बाजू का लंबाई में 5 इंच रखेगी। ये देखिए, आधा इंच मोड़ने में जाएगा तो 4.5 इंच आ जाएगा। मेरे मेजरमेंट का बाजू का लंबाई ज़्यादा है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 2.5 इंच लेगी। इस बाजू का ज़्यादा चौड़ाई है यहाँ पे है। ये देखिए, इसका 4 इंच चौड़ाई है तो मैं 2.5 इंच रखेगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, बाजू का मोड़ी 9 इंच आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से बाजू का गोलाई कर लेगी। फ्रेंड, आपको बाजू बनाने नहीं आ रहा फ्रेंड, इस तरह आप बाजू को बनाइए। ये देखिए, इस हाथ को आप इस तरह रखने का है आपको। ये देखिए, इस तरह रख के आपको इस तरह, ये देखिए, गोलाई करने का है। देखिए, इस तरह गोलाई करने का है। देखिए, इस तरह यहाँ पे जब, ये देखिए, यहाँ पे 4 इंच कितना, जब भी कपड़ा बच जाता है तो आपको इस तरह, देखिए, इस तरह करने का है। और यहाँ का जो कपड़ा है, इस तरह बाजू का जो मोहड़ी है, इससे 1 इंची कम रहता है, इसको इस तरह मिला देने का है। ये देखिए, बाजू का मोहड़ी इस तरह बन गया है। इसमें ही आधा इंची आपको कम कर देने के, यहाँ पे 2 से 1.5 इंच छोड़ देने का है। ये देखिए, यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर आधा इंची आपको कम ही कर लेने का इस तरह। ये देखिए फिर मैं आधा इंची कटिंग कर लेगी। ये आगे साइड जॉइंट होता है जो आगे आधा इंची कटिंग होता है। ये देखिए फिर ये आगे साइड जॉइंट करने का है, जो आधा इंची हम लोग कटिंग कर लेते हैं, या आगे साइड जॉइंट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं आपको बाजू जॉइंट करके बता रही हूँ। कभी भी फ्रेंड आप बाजू जॉइंट करते हैं तो इस तरह आगे का साइड जो होता है वहाँ से आपको जॉइंट करने का है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आपको चेक कर लेने का है कहाँ तक पेपर आ रहा है कपड़ा है आपका, वहाँ से आपको जॉइंट कर लेने का है। देखिए, यहाँ से आ रहा है तो मैं यहाँ से जॉइंट कर लेगी।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं बाजू को ज्वाइंट कर दी हूँ। आधा इंच इसको अंदर की तरफ आपको मोड़ के सिलाई कर देने का है। देखिए यहाँ पे मोड़ के सिलाई कर देने का इस तरह, ये देखिए इस तरह आपको आधा इंच मोड़ के अंदर की तरफ सिलाई कर देने का है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह बाजू बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह बाजू बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं दोनों साइड का बाजू ज्वाइंट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, साइड से मैं फिटिंग में ज्वाइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, ज्वाइंट करके हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह दिख रहा है ब्लाउज, पूरा सिला हुआ 28 नंबर का ब्लाउज। तो फ्रेंड, हुक बटन का जो पट्टी मैं लगा के आपको नहीं बता रही हूँ, पाइपिंग नहीं बता रही हूँ, तो आप हमारे 60 दिन के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं किस तरह पाइपिंग लगाना चाहिए, किस तरह हुक बटन का पट्टी लगाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। जो भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।